Hello students, in the last video we have studied about the signal flow graph, okay, and we have also studied that how by using signal flow graph we can determine the relationship between any two variables, okay, by Mason's gain formula. Okay, now in this video we will solve some basic numericals. Main koi bhi tough numerical nahi lunga yahan par, bilkul basic numericals lunga. Tough numericals main next videos mein lunga. Okay, to basic numericals main kyun le raha hu yahan par, ताकि जो हमने लास्ट वीडियो में सिग्नल फ्लो ग्राफ के बारे में जो थ्योरी पढ़ी है वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे हम मेसन्स गेन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, वो हमें क्लियर हो जाए. ओके, सो ये वीडियो जो है आपकी बेसिकली लास्ट थ्योरी को समझाने के लिए मैं लेयर बना रहा हूं यहां पर. ओके, कुछ सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स हम यहां कंसिडर करने वाले हैं. सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, यहां पर आपको सिक्स नोड्स गिवन है, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव एंड एक्स सिक्स. ओके, और यहां पे जो गेन्स है ए बी सी डी ई एंड एक्स फोर में आपका एक सेल्फ लूप है एफ. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था व्हाट इज सेल्फ लूप. ओके, और यहां पर आपका एक्स थ्री से एक्स फाइव तक एक और फॉरवर्ड पाथ है, एक्स थ्री टू एक्स फाइव. ओके, सो एफ के बाद आप क्या ले लेंगे आगे, जी. ओके, तो ये आपका कंप्लीट सिग्नल फ्लो ग्राफ यहां पर बना हुआ है. ओके, और आपसे यहां पर क्वेश्चंस क्या क्या पूछा है, क्वेश्चंस आपसे पूछा है डिटरमाइन वैल्यू ऑफ एक्स सिक्स अपॉन एक्स वन. सेकेंड क्वेश्चन आपसे जो पूछा हुआ है वो पूछा है एक्स थ्री अपॉन एक्स वन, एंड थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने एक्स सिक्स अपॉन एक्स थ्री. ओके, सो यहां पर हमारे पास थ्री क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करने हैं. हमें थ्री टाइप्स के रिलेशन है बिटवीन द वेरिएबल्स जो हमें कैलकुलेट करने हैं. ओके, सो पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, एक्स सिक्स अपॉन एक्स वन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर वन. नाउ आप क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्लीट आप यहां पर जितने भी फॉरवर्ड पाथ आपको दिखाई दे रहे हैं उनके आप गेन्स लिख लीजिए. तो यहां पर आपको फॉरवर्ड पाथ की मीनिंग क्या है, मैं फिर से रिविजन करा रहा हूं आपको. फॉरवर्ड पाथ मीन्स अ पाथ फ्रॉम द इनपुट टू आउटपुट नोड. तो यहां पर आपका जो आउटपुट नोड है वो क्या है, x6, और इनपुट नोड क्या है, x1. तभी तो आपसे पूछा गया है x6 अपॉन x1, आउटपुट अपॉन इनपुट. तो एक पाथ तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है यहां पर, x1 से स्टार्ट करते हुए डायरेक्टली x6 तक आप जा रहे हैं, तो उसका गेन क्या होगा, a b c d e. सो एक फॉरवर्ड पाथ का गेन आपका निकल गया a b c d e. ओके, नाउ क्या कोई और फॉरवर्ड पाथ है, क्या कोई और रास्ता है जिससे हम x1 से x6 तक पहुंच सके. यस, आप देख सकते हैं अगर आप यहां से स्टार्ट करें और अगर आप वाया g होकर जाएं तो फिर भी आप पहुंच सकते हैं. ओके, सो जो p2 है वो कितना हो जाएगा आपका, a b g एंड e. ओके, सो यहां पर आपके दो फॉरवर्ड पाथ है. ओके, नाउ नेक्स्ट हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, नेक्स्ट हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके लूप्स कितने हैं. ओके, सो आप देखिए यहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही लूप आपको दिख रहा होगा, विच इज कॉल्ड सेल्फ लूप. यहां पर आपका और कोई लूप बना ही नहीं है. ओके, सो यहां पर आपका जो सेल्फ लूप है जो स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्स फोर है और एंडिंग एट द एक्स फोर ही है. तो सेल्फ लूप जो है आपका क्या है, एल वन, वो कितना है आपका, एफ है. ओके, सो आप देख सकते हैं यहां पर आपका और कोई लूप नहीं है अवेलेबल. क्लियर है पॉइंट यहां तक. नाउ मैं यहां पर बहुत इजी एग्जांपल कंसीडर किया हूं. देखिए आप सिर्फ एक ही लूप है आपका, तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान होने वाला है. बेसिकली हमें समझना क्या है यहां पर, कंसेप्ट. ओके, नाउ अगर मैं यहां पर अब डेल कैलकुलेट करने के लिए जाऊं तो डेल क्या होता है आपका, वन माइनस इंडिविजुअल लूप गेन्स, समेशन ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स. तो कितना हो जाएगा आपका, वन माइनस एफ. ओके, और आगे क्या था आपका, प्लस समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन्स. जब यहां पर दो लूप है ही नहीं, सो टू नॉन टचिंग का क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपका यहां पर. ओके, सो यहां पर आपका जो डेल होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वन माइनस एफ हो जाएगा. ओके, नाउ डेल के हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें डेल वन फाइंड आउट करना होगा और डेल टू फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि यहां पर आपके दो फॉरवर्ड पाथ है. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हर एक फॉरवर्ड पाथ के करस्पॉन्डिंग आपको डेल के फाइंड आउट करना होगा. ओके, सो डेल वन आपका क्या होगा, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था, डेल के इज सेव एज डेल बाय एक्सक्लूडिंग द लूप गेन्स विच आर टचिंग द kth फॉरवर्ड पाथ. ओके, इसकी मीनिंग क्या है, डेल वन इज सेम एज डेल
by excluding the loop gain which is touching the kth forward path, means which are touching the first forward path. तो जो आपका डेल वन है वो डेल के समान ही होगा, बस आपको वो लूप गेन एक्सक्लूड कर देना है जो आपका फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा होगा. देखिए मैं फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ की तरफ मूव कर रहा हूं यहां पर. ओके, सो कौन सा लूप गेन है जो टच कर रहा है? यस, एफ जो है आपका वो टच कर रहा है. ठीक है, जो एल वन है वो टच कर रहा है. ओके, सो आपका क्या होगा, आपको उसे डेल में से एक्सक्लूड कर देना है. इसका मीनिंग क्या है कि आपका डेल वन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वन हो. दैट मींस आपने सिंपली एफ को जीरो पुट कर दिया यहां पर. ओके, जो टच कर रहा है उसे आप जीरो पुट कर दीजिए. नाउ व्हाट इज डेल टू? अगर आप डेल टू को यहां पर ध्यान से देखें तो डेल टू के लिए आपको पी टू फॉरवर्ड पाथ को देखना होगा. जो आपका पी टू फॉरवर्ड पाथ है वो यहां से यहां तक है, एक्स वन से लेकर वाया जी होते हुए आप एक्स सिक्स तक जा रहे हैं. इसका मतलब जो पी टू फॉरवर्ड पाथ है उसमें आपका जो एफ है, जो लूप गेन एल वन है, वो टच नहीं हो रहा है. सो आप एफ को एक्सक्लूड नहीं करेंगे, तो जो आपका डेल टू है वो सेम एस क्या हो जाएगा, आपका डेल हो जाएगा. ओके, क्योंकि हमें उस लूप गेन को एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लूप गेन जो है आपका वो टच नहीं कर रहा है kth फॉरवर्ड पाथ को. ओके, सो हमारे यहां पर डेल वन डेल टू कैलकुलेट हो गए. ओके, नाउ हमारा जो मेजॉन्स गेन फॉर्मूला है वो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू सिग्मा पी के डेल के अपॉन डेल. ओके, सो यहां पर आप देख सकते हैं कि के की वैल्यू कहां से कहां तक है आपकी, वन टू टू है, सिर्फ दो ही है आपकी, वन एंड टू. तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन आपका यहां पर पी वन डेल वन प्लस पी टू डेल टू डिवाइडेड बाय डेल. ओके, सो आपको यहां पर देखिए, आपको यहां पर पी वन की वैल्यू पता है, यस, पी टू की वैल्यू पता है, यस, डेल की वैल्यू पता है, डेल वन की वैल्यू पता है, डेल टू की वैल्यू पता है. आपका बहुत इजीली आंसर आ जाएगा यहां पर. ओके, क्लियर है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहां पर, जो था आपका x3 अपॉन x1. ओके, सो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो x3 है आपका वो है आपका आउटपुट और x1 जो है आपका वो है इनपुट. ओके, नाउ मैं यहां पर अगर ध्यान से देखूं तो जो आपका x3 और x1 नोड है उनके बीच में सिर्फ एक ही पाथ अवेलेबल है. x1 से स्टार्ट करते हुए अगर मैं जाऊं x3 तक तो गेन कितना हो जाएगा आपका, a इंटू बी हो जाएगा. ओके, सो यहां पर जो आपका फॉरवर्ड पाथ है p1 वो कितना हो जाएगा, ए बी, और कोई पाथ तो अवेलेबल है नहीं, दैट मीन्स सिंगल फॉरवर्ड पाथ ही होगा आपका. ओके, नाउ यहां पर अगर हम ध्यान से अब देखें लूप्स कितने हैं पूरे सिस्टम में, ठीक है, तो लूप आपका सिर्फ एक ही है, एफ ही है. अब इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग ये है कि आप किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप कैलकुलेट करें, इस बात से सिस्टम के डेल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मीन्स सिस्टम का डेल इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, सिस्टम का डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ लूप्स किसी भी सिस्टम में हमेशा सेम रहेंगे चाहे आप किसी भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप कैलकुलेट करें. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है ना, कि सिस्टम का डेल किसी भी क्वेश्चन के लिए सेम रहेगा, ठीक है ना. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर वन कंसिडर किया है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर वन के लिए भी सेम रहेगा, क्वेश्चन नंबर टू के लिए भी सेम रहेगा, एंड क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए भी क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा. ओके, सो जो आपका डेल है यहां पर वो आपका बिल्कुल सेम है, डेल इज वन माइनस एफ. ओके, चेंज क्या होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ डेल वन. ओके, डेल वन मीन्स, क्योंकि डेल वन जो है आपका वो फॉरवर्ड पाथ पर डिपेंड करता है, आपने अच्छे से इस बात को समझ लिया है. तो अगर मैं डेल वन की बात करूं तो डेल वन इज सेम एज डेल बाय एक्सक्लूडिंग द लूप गेन्स विच आर टचिंग द पी वन फॉरवर्ड पाथ. तो क्या जो मेरा पी वन फॉरवर्ड पाथ है उसमें लूप जो है वो टच हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि पी वन फॉरवर्ड पाथ तो आपका एक्स थ्री पर एंड हो जाए और जो आपका लूप है वो तो एक्स फोर पर फॉर्म हो रहा है. ओके, सो यहां पर जो आपका डेल वन है वो कितना हो जाएगा आपका, डेल वन आपका वन माइनस एफ का वन माइनस एफ ही रहेगा. ओके, सो आप यहां पर आंसर लिख सकते हैं फिर से, आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कितना हो जाएगा, पी वन डेल वन अपॉन डेल. ओके, सो आपको ये बात समझ रही होगी कि हर एक क्वेश्चन में पी वन डेल वन या पी टू डेल टू वो तो चेंज होगा, बट जो आपका डेल है, जो डिनोमिनेटर है, वो हमेशा क्या होगा आपका, कॉन्स्टेंट होगा. लॉजिक क्लियर है यहां तक? नाउ अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है एक्स सिक्स अपॉन एक्स थ्री. ओके, आप थर्ड क्वेश्चन को बिल्कुल वन और टू से अभी कंपेयर मत करिएगा,
अभी आप थर्ड क्वेश्चन को एज अ इंडिविजुअली लेके चलिए, आप सोचिए आपको यहां पर एक फिगर दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन नंबर थ्री बस पूछा हुआ है एक्स सिक्स अपॉन एक्स थ्री, मतलब आपने अभी तक वन और टू कैलकुलेट नहीं किया है। तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे यहां पर एक्स सिक्स और एक्स थ्री को, तो आप देखेंगे एक्स सिक्स क्या है आपका आउटपुट है और एक्स थ्री क्या है आपका इनपुट है। ओके, सो एक्स थ्री से एक्स सिक्स तक फॉरवर्ड पाथ आप कैलकुलेट करेंगे जो मेथड अभी तक आपने पढ़ा है। तो क्या होगा फॉरवर्ड पाथ, सी डी ई। ओके, फॉरवर्ड पाथ होता क्या है, फॉरवर्ड पाथ होता है आपका अ पाथ फ्रॉम द इनपुट नोड टू आउटपुट नोड, और एक और फॉरवर्ड पाथ पॉसिबल है आपका जो कि है जी ई। ओके, सो अभी आप इस तरह से कैलकुलेट करने की सोचेंगे लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है ना। क्यों रॉन्ग है, अगर आप लास्ट वीडियो को देखें, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला भी था कि जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, बेसिक न्यूमेरिकल जब मैं सॉल्व करूंगा, तब आप लास्ट वीडियो को ओपन रखिएगा। आप लास्ट वीडियो को अगर देखें तो मैंने वहां पर आपको इनपुट नोड की डेफिनेशन बताई थी और वहां आपको ब्रैकेट में लिखाया था स्ट्रिक्टली फॉलो करना है इसको। तो इनपुट नोड इज अ नोड, ठीक है, इनपुट नोड इज अ नोड विच हैविंग नो इनकमिंग ब्रांचेस। ओके, तो आप देख सकते हैं यहां पर एक्स थ्री में जो है वो एक्स टू से एक ब्रांच इनकमिंग है, ठीक है ना। तो एक्स थ्री जो है आपका वो इनपुट नोड नहीं हो सकता है क्योंकि एक्स थ्री में आपकी एक इनकमिंग ब्रांच है, इनपुट नोड में सिर्फ और सिर्फ आउट गोइंग ब्रांचेस ही हो सकती है। जैसे एक्स वन जो था वो आपका इनपुट नोड था क्योंकि एक्स वन में कोई इनकमिंग ब्रांच नहीं थी, ठीक है ना। मैंने लास्ट दो क्वेश्चन दैट इज वन और टू सॉल्व करते टाइम आपको ये बात नहीं बोली, ठीक है ना। मैं चाहता था कि हम थ्री पे जब सॉल्व करें तब इस बात पे फोकस करें कि इनपुट नोड की रियल डेफिनेशन क्या है। तो आपको जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें सिग्नल फ्लो ग्राफ का, तो आपको हर एक क्वेश्चन में पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि जो नोड आप इनपुट नोड सोच रहे हो वो इनपुट नोड है भी कि नहीं है। ओके, जैसे यहां पर जो आपका एक्स थ्री है वो इनपुट नोड नहीं है बिकॉज इट हैविंग द इनकमिंग ब्रांच। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि जो डिनोमिनेटर है किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का वो हमेशा क्या होना चाहिए, इनपुट नोड ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू में वो एक्स वन था और एक्स वन आप चेक कर सकते हैं यहां पर इनपुट है, क्यों, फर्स्ट पोजीशन पे है इसलिए इनपुट नहीं है, वो इसलिए इनपुट है क्योंकि यहां पर कोई भी इनकमिंग ब्रांच नहीं है। तो और ऐसा यहां पर कोई भी नोड नहीं है जिसको आप इनपुट नोड की तरह ट्रीट कर सके। तो आपको करना क्या होगा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए आप यहां पर कर सकते थे एक्स सिक्स अपॉन एक्स थ्री, ओके, आपको सॉल्व करना है तो आप लिख सकते हैं एक्स सिक्स अपॉन एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स थ्री अपॉन एक्स वन। ओके, सो ये आपका हो जाएगा, आप देख सकते हैं एक्स वन कैंसल आउट हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स सिक्स अपॉन एक्स थ्री। ओके, क्लियर है पॉइंट। तो आप देखेंगे लास्ट टू क्वेश्चन में, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या कैलकुलेट किया था यहां पर एक्स सिक्स अपॉन एक्स वन, और सेकेंड क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट किया था एक्स थ्री अपॉन एक्स वन, बस दोनों को आपको डिवाइड कर देना है तो आपका थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, मैंने आपको जब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कराते टाइम एक पॉइंट बोला था कि आप सोचिए कि आपने फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया है। ओके, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते कि आपने सॉल्व किया हुआ है तो आप सोचते डायरेक्ट मैं डिवाइड करके आंसर लिख दूं, पर आप इसके पीछे के रीजन को नहीं समझ पाते कि हमने ऐसा क्यों कहा कि हमें डिवाइड करके आंसर लिखना पड़ेगा यहां पर, क्यों हम यहां पर डायरेक्टली मेजॉन्स गेन फॉर्मुला का जो रूल्स है वो अप्लाई करके आंसर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स थ्री जो है आपका वो इनपुट नोड नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप आपको लॉजिक पूरा क्लियर होगा। नाउ अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाता हूं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं मैं, ठीक है। सो सेकेंड एग्जाम्पल जो है हम लोग का, वहां पर मैं फिर से एक्स वन से एक्स सिक्स तक नोड कंसिडर कर रहा हूं। ओके, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एंड एक्स सिक्स। ओके, फिर से मैं सेम गेन ले रहा हूं ए बी सी डी ई। ओके, और एक्स फोर पर मैं फिर से एक सेल्फ लूप ले रहा हूं एफ, और एक्स थ्री से एक्स फाइव तक मैं ले रहा हूं जी। ओके, बट यहां पर मैं एक और पाथ ले रहा हूं, फीडबैक पाथ ले रहा हूं फ्रॉम एक्स फोर टू एक्स थ्री। ओके, इसको मैं ले रहा हूं एच। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन से बस ये एक पाथ एक्स्ट्रा आ गया। ओके, तो अब हम इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, हम समझते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए,
मैं यहां पर सिर्फ एक ही ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर देना चाहूंगा, वो है x6 अपॉन x1। ओके, तो ये हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। अगर आप सॉल्यूशन पार्ट इसका आप देखें तो सबसे पहले हमें यहां पर नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ आइडेंटिफाई करने होंगे। तो P1 कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन से आपको याद होगा x1 से x6 तक ये आपका डायरेक्ट एक फॉरवर्ड पाथ है, तो कितना हो जाएगा A B C D E। ओके नाउ P2 आप देखें, P2 क्या है, अगेन सेम है आपका A B G और E। ओके क्या जो हमने एक एक्स्ट्रा पाथ ऐड किया है वो फॉरवर्ड पाथ की तरह वर्क करेगा, हम चेक कर लेते हैं। अगर हम x1 से स्टार्ट करें तो ए बी नो, यहां पर आपका अपोज है, डायरेक्शन आपका अपोजिट है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो आपके दो ही फॉरवर्ड पाथ होने वाले यहां पर फिर से। ओके नाउ अब अगर मैं नंबर ऑफ लूप्स की बात करूं तो एल1 जो है वो तो आपको क्लियर है एफ ही होगा, पर जो एल2 है क्या वो पॉसिबल है यहां पर, लास्ट क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं था आपका एल2। अब आप देखिए यहां पर अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं x3 से, तो x3 से स्टार्ट करिए x4 तक आप गए, फिर x4 से वापस आप x3 तक आ पा रहे हैं, यस आ पा रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा c into h, तो ये आपका लूप 2 भी हो गया। क्या और कोई लूप पॉसिबल है, आप चेक कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ आपके दो ही लूप यहां पर पॉसिबल होंगे। ओके नाउ अब आप डेल लिख सकते हैं यहां पर, डेल क्या होता है आपका 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन्स, तो आप लिख सकते हैं यहां पर 1 माइनस सी एच माइनस एफ। ओके आगे आप लिखते हैं 2 नॉन टचिंग लूप गेन्स, ठीक है ना, क्या नॉन टचिंग लूप गेन्स हैं यहां पर, नहीं, जो L1 और L2 है दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं नोड X4 पर, आप देख सकते हैं L1 क्या है आपका CH और L2 क्या है F है, दोनों ही X4 क्या है कॉमन नोड है दोनों के लिए ही आपका। ओके सो यहां पर आपका 2 या 3 नॉन टचिंग लूप्स आपके पॉसिबल नहीं होंगे। नाउ अब आप डेल1 और डेल2 का फॉर्मूला लिख लीजिए, जो डेल1 का फॉर्मूला होगा आपका, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है जहां स्टूडेंट गलत करते हैं क्वेश्चन। डेल वन क्या होगा, डेल वन इज सेम एज डेल बाय एक्सक्लूडिंग द लूप गेन्स विच आर टचिंग द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। तो आप फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को पहले देखिए जो कि ये था आपका, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को दोनों ही लूप टच कर रहे हैं, ये लूप भी टच हो रहा है और ये एफ वाला लूप भी आपका टच हो रहा है, तो आपको दोनों के दोनों गेन्स को एक्सक्लूड कर देना है, मतलब दोनों के दोनों गेन्स को जीरो कर देना है, तो CH भी जीरो हो जाएगा F भी जीरो हो जाएगा, तो डेल वन क्या होगा आपका सिर्फ और सिर्फ वन होगा। ओके नाउ डेल टू को देखिए आप, डेल टू इज सेम एज डेल बाय एक्सक्लूडिंग द लूप गेन्स विच आर टचिंग द सेकेंड फॉरवर्ड पाथ। सो सेकेंड फॉरवर्ड पाथ को आप देखिए, ये रहा, इस पे आपका सिर्फ और सिर्फ CH जो है वो टच हो रहा है क्योंकि X3 नोड तक आप जा रहे हैं ना, देखिए आप A B देन आप X3 तक गए देन आप यहां से गए। ओके सो जो आपका X3 नोड है वो आपका कॉमन है, ठीक है ना, फॉरवर्ड पाथ और सी एच वाले लूप पे, तो जो आपका L2 लूप है वो टच हो गया बट F वाला लूप आपका टच नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ सी एच को जीरो पुट करेंगे, F को एज इट इज रहने देंगे। ओके तो डेल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एफ, फिर से जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या हो जाएगा पी वन डेल वन प्लस पी टू डेल टू डिवाइडेड बाय डेल। ओके सो आप आराम से वैल्यूज पुट करके अपना ट्रांसफर फंक्शन यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, उस पे मैं अगेन आपके 6 नोड कंसीडर कर रहा हूं। ओके x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6। ओके मैं फिर से आपके गेन्स जो है वो सेम ले रहा हूं a b c d एंड e, मैं अगेन x4 पर एक सेल्फ लूप ले रहा हूं f। ओके बट यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, अब नंबर ऑफ पाथ्स जो हैं आपके फॉरवर्ड पाथ हो चाहे लूप हो मैं इंक्रीज करने वाला हूं। ओके सो एक पाथ तो मैं फिर से सेम ले रहा हूं यहां पर x3 से x5 तक, ओके जो कि आपका क्या था g था। नाउ अब मैं नंबर ऑफ लूप्स थोड़े इंक्रीज करता हूं यहां पर, पहला मैं ले रहा हूं x3 से x2 तक, ओके एक मैं ले रहा हूं x4 से x3 तक और एक ले रहा हूं x5 से x4 तक। ओके सो यहां पर हम लोग इसके गेन दे देते हैं H, I एंड J। ओके सो यहां पर आपके जो लूप्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे अब। ओके नाउ सॉल्यूशन पार्ट में मैं फिर से फॉरवर्ड पाथ पहले आइडेंटिफाई करूंगा, सो P1 सेम रहेगा आपका A B C D E, P2 भी आपका सेम रहेगा A B G एंड E। ओके क्या और कोई फॉरवर्ड पाथ पॉसिबल है,
आप देख सकते हैं, अगर आप यहां से स्टार्ट करें x1 से, तो यहां पर अपोज है, नो, यहां पर भी अपोज हो जाएगा डायरेक्शन का, और अगेन यहां पर भी अपोज है, क्योंकि ये जो मैंने तीन लूप्स लिए हैं, ठीक है ना, उनमें फीडबैक पाथ है, ठीक है, क्लियर है लॉजिक। तो आपका डायरेक्शन हमेशा अपोज होगा, आप x1 से x6 तक नहीं पहुंच सकते वाया दिस लूप्स, ओके। सो आपके दो ही फॉरवर्ड पाथ होंगे। नाउ अब अगर मैं l1 की बात करूं, वो तो फिक्स है f, l2 की बात करिए, आप देख सकते हैं, आप अगर हम x2 से स्टार्ट करते हैं तो b h, ओके। नाउ अगर मैं l3 की बात करूं, यहां पर l3 कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा c i, और l4 की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो l4 कितना हो जाएगा आपका d j, ओके। सो ये आपके तीन लूप आपको क्लियरली दिख रहे थे, और एक आपका सेल्फ लूप था, तो आपके टोटल फोर लूप्स हो गए यहां पर, ओके। क्या और कोई लूप पॉसिबल है यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, ओके। सो यस, अगर आप ध्यान से देखें यहां पर, तो आप देखिए, अगर आप x3 से स्टार्ट करते हैं, ओके, अगर आप इस तरह से मूव करें, तो आप वापस से x3 पर आ रहे हैं, लेकिन नो, ये आपका लूप नहीं होगा। क्यों? अगर आप लास्ट वीडियो को ध्यान से देखें फिर से, तो मैंने बताया था लूप इज अ क्लोज पाथ दैट स्टार्ट एंड एंड्स एट द सेम नोड विथ नो नोड रिपीटेड इन बिटवीन। अगर आप ऐसे मूव करेंगे x3 से, तो आप देख सकते हैं x4 जो दो नोड है आपका, वो दो बार आ गया है, एक बार जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, और एक बार जब आप फीडबैक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ओके। सो ये आपका लूप नहीं होगा। चलो एक बार और ट्राई करते हैं हम लोग, अगर हम लोग x3 से स्टार्ट करके इस तरह से मूव करें, ओके, तो इस बार x4 नहीं आया, अब x4 आ रहा है, लेकिन x4 सिर्फ एक बार आया आपका, ओके, सो ये आपका लूप पॉसिबल होगा, क्योंकि आपका कोई भी नोड रिपीट नहीं हुआ, और आप x3 से स्टार्ट किए और x3 पर ही क्या कर लिए, एंड कर लिए, ओके। सो l5 कितना हो जाएगा आपका, g i j, ओके, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरह से आपको लूप्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बहुत सारे टफ एग्जांपल लूंगा, जहां पर आपको लूप्स आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप उनमें लूप आइडेंटिफाई कर पाए, तो समझ लीजिए कि आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ओके। नाउ यहां पर अगर मैं नॉन टचिंग लूप्स की बात करूं, तो आप देखिए जो एफ है, जो एल वन था, और जो आपका बी एच है, BH था हमारा L2, वो दोनों क्या है आपस में, नॉन टचिंग है, उनमें कोई भी नोड कॉमन नहीं है, तो एक आप कह सकते हैं L1 L2 नॉन टचिंग है, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए, और कोई नॉन टचिंग है क्या, ये जो आपका L2 था BH, वो आप देख सकते हैं कि ये जो DJ है आपका, जो कि L4 था, उसके साथ भी क्या है, नॉन टचिंग है, सो L2 L4, ओके। नाउ जो आपका L2 है वो CI के साथ टच है, तो L2 L3 आपके टचिंग है, ओके। नाउ और कोई लूप देखिए, कोई नॉन टचिंग दिख रहा हो आपको, ये जो आपका L1 है, F वाला है, वो आपका L3 और L4 दोनों के साथ टचिंग है, तो और कोई कॉम्बिनेशन आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो L5 है, जो ये था, वो देखिए आप सबके साथ टचिंग हो रहा है यहां पर, ठीक है ना। तो ये आपके दो नॉन टचिंग लूप है। क्या यहां पर थ्री नॉन टचिंग लूप पॉसिबल होंगे, क्योंकि यहां पर टोटल फाइव लूप्स है ना, तो थ्री नॉन टचिंग की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, आप चेक कर लीजिए। अगर आप देखिए यहां पर L2 को, जो कि BH है आपका, वो इसके साथ नॉन टचिंग है, DJ के साथ और F के साथ, लेकिन DJ और F आपस में टचिंग है, तो यहां पर थ्री नॉन टचिंग की कोई पॉसिबिलिटी आपकी नहीं बन पाएगी, ओके। सो आपके इतने लूप्स हैं टोटल, इंडिविजुअल भी और टू नॉन टचिंग भी। नाउ अब अगर मैं डेल लिखने के लिए जाऊं, तो डेल का फॉर्मूला क्या था आपका, वन माइनस इंडिविजुअल लूप गेन्स, तो हमने यहां पर लिख लिया L5 तक, प्लस क्या था आपका, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन्स, मतलब हमें इन दोनों को सम कर देना है, L1 L2 प्लस L2 L4, तो कितना हो जाएगा आपका L1 L2 प्लस L2 L4, ठीक है, थ्री नॉन टचिंग हमारे पास है नहीं, तो ये हमारा डेल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ओके। नाउ अब अगर मैं बात करूं डेल वन और डेल टू की, क्योंकि हमारे पास दो फॉरवर्ड पाथ है, तो डेल वन क्या होगा, सेम एज डेल, बाई एक्सक्लूडिंग द लूप गेन्स विच आर टचिंग द kth फॉरवर्ड पाथ, विच आर टचिंग द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ आपका क्या है, ये आपका पाथ रहा x1 से x6 तक, तो आप देख सकते हैं इस पाथ में आपके सारे के सारे लूप्स जो है वो टच कर गए, तो आपका जो डेल 1 है वो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि आप l1 l2 l3 l4 l5 सबकी वैल्यूज क्या पुट कर देंगे, 0। जब आप
इंडिविजुअल जीरो पुट करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाएंगे आपके, जीरो हो जाएंगे. ओके नाउ अगर आप बात करें डेल टू की, तो डेल टू क्या होगा, सेम एज डेल बाय एक्सक्लूडिंग द लूप गेन विच आर टचिंग द सेकेंड फॉरवर्ड पाथ. तो सेकेंड फॉरवर्ड पाथ आपका क्या है, ये रहा आपका, तो आप देख सकते हैं ये टच हो गया बी एच. ओके अब आगे जाइए तो आप देख सकते हैं डीजे भी टच हो गया और आपका सी आई भी टच हो गया था, क्योंकि एक्स थ्री आपका टच हो रहा था ना. तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया यहां पर, एफ ही रहा जो नॉन टचिंग है, ठीक है ना, जो आपका ग्रेटर लूप था वो भी टच हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहां पर. तो आपका जो एफ है वो नॉन टचिंग है, एफ क्या था आपका एल वन था, ठीक है ना. अब आपको एल वन को छोड़कर बाकी सबकी वैल्यू जीरो पुट कर देनी है, ठीक है. तो आप देख सकते हैं यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, वन माइनस एल वन. जहां तक क्वेश्चन है आपका कि ये जो टू नॉन टचिंग लूप्स थे, यहां पर देखिए एल टू और एल फोर प्रेजेंट थे ना, तो आपको एल वन को छोड़कर बाकी सबकी वैल्यू जीरो पुट करनी है. तो जब यहां पर आप एल टू जीरो पुट करेंगे तो यहां पर भी तो एल टू जीरो पुट होगा, और यहां पर जब आप एल फोर जीरो पुट करेंगे तो यहां पर भी एल फोर जीरो पुट होगा, तो इनके जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी क्या हो जाएंगे आपके, जीरो हो जाएंगे. तो सिर्फ आंसर क्या आएगा, वन माइनस एल वन आ जाएगा. ओके सो जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है यहां पर वो क्या हो जाएगा, पी वन डेल वन प्लस पी टू डेल टू डिवाइडेड बाय डेल. ओके सो ये आपका आंसर आ जाएगा. ओके क्लियर है पॉइंट. तो ये कुछ बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे आपको ये अंडरस्टैंड कराने के लिए कि मेजॉन्स गेन फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, ठीक है. अगर मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि गेट में इतने इजी क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे. लेकिन हाँ, आईएएस के ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, थोड़े टफर लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इन सिग्नल फ्लो ग्राफ. ओके अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो या कंसेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो कि हमें डेल वन डेल टू कैसे लेना है, कि हमें नॉन टचिंग लूप्स कैसे लेने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. ओके गुड बाय.